राजूवाला पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि अवैध संबंध के चलते धर्मेंद्र नामक शख्स की हत्या उसकी पत्नी और खेत मालिक ने की है। खाजूवाला सीओ देवानंद ने बताया कि 12 अगस्त को खाजूवाला की केवाईडी नहर में 32 हेड शव मिला था। शव की शिनाख्त रावला निवासी धर्मेंद्र बिश्नोई के रूप में की गई थी। मृतक के भाई की ओर से खाजूवाला थाने में धर्मेंद्र की हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। खाजूवाला थाना अधिकारी रमेश सरवटा ने मामले की जांच करते हुए हत्या के 3 आरोपी रावला निवासी भूप सिंह बिश्नोई, चंद्र सिंह व मृतक की पत्नी सुमन को गिरफ्तार कर आज सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वारदात की पड़ताल में सामने आया था कि मृतक धर्मेंद्र भूप सिंह बिश्नोई के खेत में काम करता था। वह अपने परिवार सहित वही रहता था। इस दौरान खेत मालिक के धर्मेंद्र की पत्नी सुमन से अवैध संबंध बन गए थे। इस अवैध संबंध में धर्मेंद्र बिश्नोई बाधा बना हुआ था। 11 अगस्त की रात को मौका पाकर सुमन ने अपने पति का गला घोंट दिया और फिर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शव को नहर में फेंक दिया था। दिनांक 12 अगस्त की बात है, तो उस दिन हमारे थाना अधिकारी खाजूवाला को एक रिपोर्ट, एक सूचना मिली कि 32 केवाईडी पर एक डेड बॉडी आई हुई है। इस शीतला पर रामस्वरूप हेड कांस्टेबल को वहाँ भेजा गया और उसकी शिनाख्त तब तक नहीं हुई थी, 11 डेड बॉडी थी। तो ये व्हाट्सएप के ऊपर इसकी फ़ोटो वायरल की गई जिससे इसका शिनाख्त हो गई। तो ये धर्मेंद्र बिश्नोई और रावड़ा का रहने वाला बताया। तो इसका भाई है भूपेंद्र शर्मा, तो 12 दिनांक 12 को एक रिपोर्ट दी कि मेरे भाई ऐसे ऐसे नहर के अंदर गिर कर उसकी मौत हो गई है। उसकी मौत की कारणों की जाँच की जाए, इसकी मौत किन कारणों से हुई है, जिसके ऊपर मर्ग दर्ज की गई। थाना पे मर्ग दर्ज करके रामस्वरूप हेड कांस्टेबल के सपोर्ट की गई और उसके बाद में एक सीआई साहब रमेश कुमार जी सरवटे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जहाँ का ये रहने वाला है खाजू अपने रावला का, वहाँ टीम को भेजा गया जो गोपनीय रूप से पड़ताल किया गया। पड़ताल करने के बाद में दिनांक 17 को इसका भाई भूपेंद्र फिर एक रिपोर्ट लेके आया और रिपोर्ट में इसने बताया कि मेरे भाई धर्मेंद्र की हत्या, जिसके अंदर एक भूप सिंह मांझू जो खेत मालिक है जिसके खेत काश्त करता था और एक काश्तकार और है जिसका नाम है छिंदर उर्फ जगविंदर सिंह और उसकी पत्नी मृतक की पत्नी धर्मेंद्र, इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या करके नहर में डाल दी गई है। इसके बाद में ये मुकदमा दर्ज करके रमेश कुमार जी सरवटे द्वारा जाँच की गई और तीनों को राउंड अप करके पूछताछ किया गया तो ये अवैध संबंध का मामला निकला, जिस पर तीनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है।